Everyone come here once in life. So we can consider it as a lifetime achievement. किसी को अगर आना हो कभी तो आप ले सकते हैं सर्विस. क्या है इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से क्या. She is saying look from here how beautiful it is and that's true. I can't believe. Amazing. जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. हाँ भाई नहीं सिमरन नहीं यही से कर रुको. अभी इस तरह के बर्फ वाले नज़ारे एंजॉय करना चाहते हैं तो यही टाइम है आने का. ये है फरवरी मंथ और मार्च में भी ये स्नो आपको यहाँ ऐसे ही मिलेगी. यहाँ पंजे पे वेट रखना, ढलान है ना. पंजे पे वजन डालो, बस पंजे पे वजन रखो आगे. हाँ करेगा ही शू जैसे. हम अपने करियर लेक ट्रैक के आखिरी दौर में पहुँच चुके हैं. जितने हम नज़दीक जाते जा रहे हैं नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं. देखिए पानी और बर्फ़ किस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पर है और ये है बर्फ़ का नज़ारा ऊपर पहाड़ पर. खूबसूरत नीला आसमान है, हरे भरे पेड़ और बहुत सारे वाइट पैजेज हैं स्नो के. और ये है वो ट्रैक देखिए जिस पर चलकर लोग बढ़ रहे हैं करेरी लेक की तरफ. ऐसे खूबसूरत नज़ारे क्या आपको मिस करने चाहिए, मैं तो कहूँगा नहीं. इससे पहले कि ये स्नो पिघल जाए आइए ज़रूर, और स्नो के पिघलने के बाद भी यहाँ हरियाली का आलम होगा. जहाँ अभी आपको ये येलो ज़मीन नज़र आती है यहाँ हरियाली इस जगह को घेर लेगी तो सोचिए हरा भरा ट्रैक करेरी लेक का कितना खूबसूरत लगेगा. What a amazing thing I have seen. देखिए कुछ ही दूरी पर मुझे ये केव नज़र आई है पर ये एक शानदार सा स्ट्रक्चर है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए. This place is so amazing. How big this cave is. You can stay, sleep, cook. That's so amazing. और ये खूबसूरत नज़ारा है इस गुफा से. देखिए कितने लोग हैं पीछे जो इस ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं. इट्स फन टू वर्क ऑन स्नो एंड दिस इज द रियल वन. आई लव इट. वाह ब्यूटीफुल. ये वो नज़ारा है जिसके लिए आप इतना पीन देते हैं, कान सहन करते हैं और फिर पहुंचते हैं इस खूबसूरत सी जगह पर. Isn't it great? Beautiful. Amazing. ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करते हुए ये अलग ही तरह की फीलिंग है.
देखिए नज़ारा मेरे पीछे का, पूरा पहाड़ जो बर्फ़ से ढका है। अगर आपको याद है यही वो नज़ारा था, यही वो पहाड़ था जिसे हम कल सुबह देख रहे थे। और हम लेक के एकदम नज़दीक हैं, उसी पहाड़ का पानी है जो लेक में इकट्ठा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बर्फ़ में चलने की मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ। हमेशा जब भी आप बर्फ़ में चलें तो पूरा का पूरा पांव ये टिका करके चलिएगा और जहाँ तक हो सके वेट को अपने पंजों पर रखिए। तो पूरा पांव टिका के चलिए, आप स्लिप नहीं होंगे। दो, आपके शूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास एक वॉकिंग स्टिक है, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। इट गिव्स यू एक्स्ट्रा सपोर्ट वाइल वॉकिंग ऑन द स्नो और ऑन द हिल्स। देखिए हम पहुंचने लगे हैं। पहला खूबसूरत नज़ारा जो नज़र आता है मुझे उस तरफ, जो नज़र आ रहा है मुझे, सो ब्यूटिफुल इट इज़। कैसा लग रहा है आपको ये जगह देख करके? थकान उतर गई? Yes. यही वो जगह है जिसके लिए आप इतना पेन लेते हैं, चलते हैं। ये आखिरी कुछ 100 meters हैं। देखिए ये रास्ता नहीं, वो रास्ता है। ये पत्थर के ऊपर से जाओ। मैं तो इधर ऐसी स्नो में चलने के लिए आ गया। पूरा पहाड़ इस वक्त बर्फ से ढका है और ये नाला जो बह करके जाता है बर्फ़ में, उसके पानी को भी जमा दिया। तो ऊपर आपको ग्लेशियर दिख रहा है, नीचे उसका बहता हुआ पानी। ये है खूबसूरत जगह यहाँ पर। अब जल्दी ही आपको कुछ पहले नज़ारे देखने को मिलेंगे करेरी लेक के। शंकर महाराज पहुँचते हुए, कैसा रहा ये पैच लास्ट वाला? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त भाई साहब, ऑसम भाई साहब, मज़ा आ गया ये ट्रैक करके। सबको सजेस्ट करेंगे कि जो भी ट्रैक लवर हैं, जिनको कैंपिंग हाइकिंग का शौक है, आपका सारा कुछ यहाँ के फुल एडवेंचर होगा और आपका पूरा पैसा वसूल है। We have Sharad with us. Sharad, how is the experience? Very amazing. I haven't been to a place like this before. I have been to Gomukh, but it was like chota sa, pani idhar. ये completely frozen lake है. Majority of the part is frozen. तो आप कहाँ से आए हैं? मैं आंध्रा से। So are you traveling alone? Traveling alone. Alone. And since when? Since 1 week. My plan is to travel for a 1 month. From इधर से प्लान नहीं है, इधर से। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या प्लान किया? नेक्स्ट डेस्टिनेशन शिमला। ओके, इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन डू कॉल मी, टेक माई नंबर। 2 या 3 मिनट और चलने के बाद आप पहुँचेंगे इस जगह और यहाँ आपको दिखने वाला है करेरी लेक का पहला खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है वो कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ पर, ये सब लेक है। इस तरह से ये सारी जगह करेरी लेक। ये अभी पानी फ्रोजन है, थोड़ा पानी यहाँ मेल्ट है, पानी मेल्ट होता रहेगा गर्मी से और बहकर इसी खड्ड से जाता रहेगा नीचे करेरी विलेज तक, और आप थ्रू आउट इसी ट्रैक से चलते हुए यहाँ पहुँचेंगे। अब हम इन सीढ़ियों को उतरते हुए थोड़ा और नज़दीक जाएंगे लेक के। एक बार 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज द टेंपल जो आप बहुत सारे वीडियो में देखते हैं। ये है सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ और इन्हीं पहाड़ के एकदम नीचे है हमारी सबकी फेवरेट करेरी लेक। व्हाट अ अमेजिंग व्यू! ऐसा नज़ारा कभी कहीं नहीं देखा, जो देखा करेरी लेक पर देखा।